अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें अनीताज किचन चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं रेसिपीज डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल अनीताज किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ तंदूरी पनीर काठी रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रीडियंट्स। काठी रोल बनाने के लिए हमें चाहिए, काठी रोल की शीट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच दही। मैरिनेशन बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 पिंच कलर और 1 छोटा चम्मच तेल। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच काले मिर्च पाउडर, मेयोनीज और तेल। तंदूरी पनीर काठी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम तंदूरी मैरिनेशन रेडी करेंगे, तो उसके लिए बाउल में 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। अब इसके अंदर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से भी कम नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। ये मैरिनेशन जो है ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना पनीर से अच्छे से कोट नहीं होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा थिक ही रखें। अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा छोटा चम्मच अदरक पेस्ट डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब हम मैरिनेशन को कलर देने के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ मैरिनेशन को कलर देने के लिए डाला गया है। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तंदूरी मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब हम इसके अंदर 200 ग्राम पनीर डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। जब ये पनीर अच्छे से कोट हो जाए तब इसे ढककर पनीर फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि इसके अंदर सारा फ्लेवर आ जाए। तब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तब तक बाउल में 1 कप मैदा के अंदर आधा छोटा चम्मच नमक डालें और इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच दही डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तब इसके अंदर पानी डालें और एक बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी कर लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदना है। जब आटा इस तरीके से गूंद जाए तब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच तेल डालें और इस तरीके से इसे गूंथ लीजिए दोबारा से। ये डो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिए अलग, कि यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, पनीर अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको तंदूरी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉइल रखेंगे, उसके अंदर जला हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर मक्खन डाल देंगे और तुरंत इसे एक प्लेट से ढक देंगे। अब इसे सिर्फ 10 सेकेंड के लिए हमें स्मोक देना है और उसके बाद इसे हटा लेना है। 10 सेकेंड हो गए हैं, स्मोक दे दिया है, अब हम इसे हटा लेंगे। इसे ज़्यादा स्मोक नहीं देना है वरना जो पनीर का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है, कड़वा हो सकता है। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और 1 छोटा चम्मच मक्खन डालेंगे। अब ये जो हमने मैरिनेट किया है पनीर वो इस तरीके से डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे पलट पलट कर पकाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। इसके अंदर बहुत ही अच्छा तंदूरी फ्लेवर आ गया है। बिना तंदूर के अगर आपको किसी भी चीज़ को तंदूरी फ्लेवर देना है तो इस तरीके से मैरिनेशन में आप स्मोक दे दीजिए।
यहाँ पर ये रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल के ठंडा कर देंगे। जब तक हम पैन में बाकी चीज़ें भी सॉटे कर लेते हैं, तो एक छोटा चम्मच तेल डालें और इसके अंदर बारीक पतली कटी हुई पत्ता गोभी, आधा प्याज और आधी बारीक पतली कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हम इसके अंदर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। बस अब इसे मीडियम फ्लेम पर ही सॉटे कर लेंगे। सब्जियों को पूरा नहीं गलाना है, इसको क्रंची ही रखना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। ये देखिए, ये प्याज यहाँ पर पिंक हो गए हैं और सब्जियाँ जो है बिल्कुल पक गई हैं, ज़्यादा नहीं पकी है, बिल्कुल क्रंचीनेस इसका बरकरार है। अब उसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और यहाँ पर हमारा आटा जो है सेट हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से और इसको प्लेट में रखते जाएंगे। 5 बॉल्स यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम एक बॉल लेंगे और इस तरीके से तेल में इसे डिप करेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। इसे जो है आपको इस तरीके से बेलना है, ये चकले को इस तरीके से घुमाते हुए फिर बेलना है। इसे अगर आप उठा उठा के बेलेंगे तो ये नहीं बेलेगा अच्छे से। और जितना हो सके उतना पतला बेलिए, इसके किनारे जो हैं पतले रखें। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। ये देखिए, काफ़ी पतली है ये शीट, इस तरीके से रेडी करनी है। तो चलिए अब तवे पर इसको सेक लेते हैं। तो अब एक तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और इसे गरम कर लीजिए। जब तवा मीडियम गरम हो जाए तब इसके ऊपर ये शीट डाल दीजिए। ये अगर आप इसको मतलब बिल्कुल राउंड नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, अगर ये थोड़ी सी फट भी जाती है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एंड में रोल ही होना है, तो इसलिए आपको इसको जैसी मर्जी शेप का बना सकते हैं। जब एक तरफ से सिक जाए तब इसे पलट दीजिए। जब दूसरी तरफ से सिक जाए तब पलट कर इसे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लीजिए। ये देखिए, दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक चुकी है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो तेल अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसे बिना तेल के भी इसे सेक सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप दूसरी भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे। ये जो है मैदा की ये जो शीट है ये काफ़ी पतली बेलनी होती है, इसलिए इसकी शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनती है राउंड में, तो इसलिए जैसी भी शेप बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम एक शीट लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बंद गोभी और शिमला मिर्च की स्टफिंग डालेंगे और इस तरीके से पनीर लगाएंगे। अब इसे नीचे से पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसे टाइट रोल कर देंगे। अच्छे से टाइटली रोल करिए। ये लीजिए, यहाँ पर तंदूरी पनीर काठी रोल बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसको और कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं खाने के लिए, तो इस तरीके से आप फॉइल पेपर रखिए, फॉइल पेपर को पहले नीचे से फोल्ड करें और फिर इस तरीके से साइड से फोल्ड कर दीजिए। अब आप इसे बहुत ही कन्वीनियंटली खा सकते हैं और इसे आप लंच बॉक्स में भी इस तरीके से पैक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, तंदूरी पनीर काठी रोल बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें मेयोनीज लगा सकते हैं, आप इसमें ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, आप इसमें टोमेटो केचप लगा सकते हैं। तो चलिए, आप इसे ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने सजेशन हमें बताते रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंडे को एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Thank you so much for watching my video.